MI-17 वर्ल्ड के सबसे मशहूर हेलीकॉप्टरों में से एक है और इसको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये फेमस है भारी वजन को उठाने के लिए, भारी मशीनरी को उठाने के लिए और एयरलिफ्ट के लिए। और इसी वजह से केदारनाथ में MI-17 को लिया, वहाँ भेजा गया था उस प्राइवेट हेली को वहाँ से एयरलिफ्ट करने के लिए। पर अचानक ऐसा क्या होता है जो MI-17 को उस प्राइवेट हेलीकॉप्टर को ड्रॉप करना पड़ता है, ऐसी क्या चीज़ें थी उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कल की ये घटना आप सब लोगों को पता ही होगी कि शनिवार शाम की ये घटना है और जो एक हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था रुद्रप्रयाग के पास में, उस न्यूज़ को लेके काफ़ी जो है अफवाहें फैलाई जा रही है। तो मेरे वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि जो ये घटना कल शाम को हुई थी उसमें जो MI-17 जो कि केदारनाथ हेलीपैड से एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर को लेके जा रहा था, जो 24 मई 2024 को वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे ख़राब हो गया था, उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की वहाँ पे, तो वो उस टाइम से वो ख़राब पड़ा था। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से, जो एयरफोर्स की तरफ से MI-17 उसको वहाँ से एयरलिफ्ट करके वहाँ से ले जा रहा था और उसको ले जाना था चमोली के गोचर के हेलीपैड में, जहाँ पे उसका रिपेयरमेंट का काम स्टार्ट होना था। लेकिन जब वहाँ से उसको एयरलिफ्ट किया जाता है, केदारनाथ से उस प्राइवेट हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया जाता है, तो रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि अचानक से तेज़ हवा और वेट के कारण जो MI-7 का जो संतुलन था, जो बैलेंस था, वो अचानक से बिगड़ने लग जाता है। तो पायलट इस चीज़ को भाप जाता है। ये खुद एयरफोर्स की तरफ से इस चीज़ का कन्फर्मेशन किया गया था कि MI-17 का जो संतुलन था वो ख़राब हो रहा था, तो इस वजह से पायलट को उस हेलीकॉप्टर को ऐसे स्थान पर छोड़ना पड़ा जहाँ पे कुछ भी मतलब नुकसान होने वाली कोई गुंजाइश नहीं थी। तो नदी के नज़दीक उन स्थान था जहाँ पे उस प्राइवेट हेलीकॉप्टर को छोड़ा गया था। अब काफ़ी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा के सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ा रहे हैं कि वो चैन टूटने की वजह से वो हेलीकॉप्टर गिरा था। चैन टूटने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं गिरा था, ये एयरफोर्स की तरफ से क्लियरली मेंशन किया गया। आप इस चीज़ में भी देख सकते हैं, कई न्यूज़पेपर ये दावा कर चुके हैं और ख़ुद एयरफोर्स ने भी ये दावा किया है कि जो हेली था उसको वहाँ पे ड्रॉप किया गया था, ना कि चैन टूटने की वजह से वो हेलीकॉप्टर वहाँ गिरा था। खुद पर्यटन जिला अधिकारी राहुल चौबे जी ने इस चीज़ का खुलासा किया है कि इस तरह की अफवाह ना फैलाया जाए, क्योंकि जो प्राइवेट हेली था वो एक क्रिश्चियन एविएशन कंपनी का था जो 24 मई से वहाँ पे ख़राब पड़ा हुआ था। तो ज़्यादा वेट होने की वजह से और बैलेंस जो हवा का वहाँ पे जो एक भाव था उसकी वजह से उसका जो बैलेंस था, जो MI-17 था, वो एक पेंडुलम की तरह हिलने लग गया था। तो हो सकता था MI-17 को भी उस नुकसान हो सकता था, इसलिए पायलट ने समय रहते ही उस हेली को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया जहाँ पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना था। और इस चीज़ की भी क्लियर डिक्लेरेशन दी गई है कि उस हेली के अंदर किसी तरह का कोई सामान नहीं था, कोई यात्री नहीं थे वहाँ पे कि किसी को कोई नुकसान हुआ हो। तो उन्होंने खुद इस चीज़ की रिक्वेस्ट की है कि इस तरह की अफवाह जो है सोशल मीडिया पर ना फैलाई जाए। सो उनकी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है सबसे, और मेरी भी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि लोग इस तरह के वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं और लोगों के दिमाग में अलग ही किस्म का एक भ्रम फैलाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो पे, बने रहे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।